सोनभद्र की, जहां रेनू कोट चेयरमैन हत्याकांड के एक और शूटर 25,000 के इनामी सौरभ उर्फ लव सिंह को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बिहार के भभुआ के कैमूर के मोहनिया से गिरफ्तार किया। जी हां, पुलिस ने उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने रविवार को इस मामले का खुलासा किया। एसपी श्रीवास्तव ने बताया कि रेणुकूट चेयरमैन शिव प्रताप सिंह उर्फ बबलू की 30 सितंबर की रात 10 बजे अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में चेयरमैन के भाई की तहरीर पर पूर्व चेयरमैन अनिल सिंह, उनके भाई ब्रिजेश सिंह, राकेश सिंह तथा जमुना सिंह, राकेश मौर्य सहित 11 शूटरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं पुलिस ने नामजद सभी 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। एक शूटर को, गांधी यादव को, चंदोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही दो शूटर रवि व सुंधादु ने बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। चौथे शूटर विकास उर्फ बुलेट को पुलिस ने 15 दिन पूर्व गिरफ्तार कर लिया था। वहीं सौरभ उर्फ लव सिंह फरार चल रहा था। सौरभ पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। फरार चल रहे शूटर की गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय व क्षेत्राधिकारी पीपरी के पर्यवेक्षण में अपराध शाखा के स्वॉट टीम व सर्विलांस तथा प्रभारी निरीक्षक पीपरी की संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम ने शनिवार की शाम मुखबिर की सूचना पर ग्राम पीपरा थाना मोहनिया जनपद कैमूर भभुआ बिहार से गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त असलह मय को आदत जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वहीं पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि सासाराम जेल में बंद एक हमारे रिश्तेदार के माध्यम से जमुना सिंह आए थे तथा उन्होंने उक्त घटना कारित करने के लिए कहा, तो मैंने अपने दोस्त तथा घटना कारित में यह अभियुक्त सुधांशु सिंह, रवि सिंह, ब्रकेश उर्फ बुलेट तथा गांधी यादव से बात करते हुए रेणुकूट आकर घटना कारित कर हम लोग फरार हो गए। इसकी एवज में अभियुक्त जमुना सिंह व ब्रिजेश सिंह द्वारा हम लोगों को 5 लाख रुपया देने के लिए कहा गया था। वहीं पुलिस ने शूटर का चालान कर दिया। गिरफ्तार शूटर सौरभ उर्फ लव सिंह के खिलाफ बिहार के भभुआ, रोहतास तथा जिले के पीपरी थाने में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये कल रात में करीब 8 बजे के आसपास यूपी 100 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 9-10 महीने के बच्चे का अपहरण कर लिया गया है दो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने। इस सूचना पर तुरंत ही SHO पन्नूगंज वहाँ पर मौके पर पहुँचे और हमारे राजपत्रित अधिकारी भी मौके पर पहुँचे। तो प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई कि बच्चे को कुछ दो अज्ञात लोग आपस में लेकर के भाग गए हैं, तो हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रयास करते हुए तुरंत ही इसमें जानकारी की, तो पता चला कि एक दिग्विजय और विकास जो इनका परिवार का परिचित था, वो आज सुबह से अनावश्यक रूप से बच्चे को अपने पास खिलाने की कोशिश कर रहा था। इससे उस पर शक गया, तो फिर उसके जब वेयर अबाउट पता किए गए, उसको थाने पर ला के पूछताछ की गई, तो पूरी बात खुल के आई कि ये जो दिग्विजय है, जो अभियुक्त है, इसने अभी कुछ दिन पहले अपनी बीवी का ऑपरेशन कराया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर कुछ कर्जा चढ़ा था 3-4 लाख का, तो इसलिए वो कुछ इस प्रकार की बात करने की सोच रहा था। और जो अभियुक्त इसमें रामराज हैं, जो पीड़ित हैं, उनको 6-7 लड़कियों के बाद जो है एक लड़का पैदा हुआ था अभी जनवरी में, तो उसको लगा कि अगर इनका बच्चा हम अपहरण कर लेते हैं तो उसको ले जा करके फिरौती से पैसा मांग सकेंगे, इसीलिए उसने पूरा प्लान दो लोगों, अपने दो जो सह अभियुक्त हैं उनके साथ मिल करके बनाया। और कल बच्चे को हर तरीके से, चूंकि उस परिवार से मिला हुआ था, परिवार वाले भी उसको ट्रस्ट करते थे, तो हर तरीके से बच्चे को अपने पास रखने की कोशिश करी। और शाम को जब मौका मिला तो अपने दोनों जो सहभियुक्त हैं उनको मोटरसाइकिल के साथ उनको भगा दिया। तो जब हमें सूचना प्राप्त हुई, फ़ौरन ही हमने टीम बना करके इसको आगे कार्रवाई करी। तो सर, थाना पन्नूगंज की टीम की इतने अच्छे एफर्ट की वजह से रात में ही बच्चा जो चंदौली डिस्ट्रिक्ट के सैयद रजा थाने के पास में, जहाँ इनका गांव है, जहाँ पर इस अभियुक्त की ससुराल है, वहाँ से प्राप्त हो गया और अब बच्चा अपनी माता के पास में है। इतनी जल्दी इतने अच्छे तरीके से कार्रवाई करने के लिए थाना पन्नूगंज की टीम को बधाई और उनको हम लोगों ने 10,000 रुपये इनाम भी दिए। सब बच्चा चोर गैंग कहीं से क्या सक्रियता दिख रही है? तक प्रदेश स्तर पर भी किसी इस प्रकार की कोई भी गैंग की बारे में कोई भी बात निकल के नहीं आई है, ना ही जनपद में आई है। ये पूर्णतया फिरौती को लेके ही है। ये पूर्णतया फिरौती को लेकर के था, जिसमें जैसा मैंने बताया कि अभियुक्त ने अपना स्वीकारोक्ति भी करी है, क्योंकि उसके ऊपर इतना कर्जा चढ़ा था अपने बच्चे, अपनी बीवी के इलाज के कारण से, तो उसको ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। उसको लगा कि राजा राम को इतने देर के बाद ये बच्चा प्राप्त हुआ है 6-7 लड़कियों के बाद, तो उसको लगा कि ये कुछ हो सकता है, अगर इससे फिरौती मांगेंगे तो हमें कुछ पैसा मिलेगा।
ये कल रात में करीब 8 बजे के आसपास यूपी 100 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 9-10 महीने के बच्चे का अपहरण कर लिया गया है, 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने। इस सूचना पर तुरंत ही SHO पन्नूगंज वहां पर मौके पर पहुंचे और हमारे राजपत्रित अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तो प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई कि बच्चे को कुछ 2 अज्ञात लोग आपस में लेकर के भाग गए हैं, तो हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रयास करते हुए तुरंत ही इसमें जानकारी की, तो पता चला कि एक दिग्विजय और विकास जो इनका परिवार का परिचित था वो आज सुबह से अनावश्यक रूप से बच्चे को अपने पास खिलाने की कोशिश कर रहा था। इससे उस पर शक गया, तो फिर उसके जब वेयर अबाउट पता किए गए, उसको थाने पर ला के पूछताछ की गई, तो पूरी बात खुल के आई कि ये जो दिग्विजय है, जो अभियुक्त है, इसने अभी कुछ दिन पहले अपनी बीवी का ऑपरेशन कराया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर कुछ कर्जा चढ़ा था 3-4 लाख का, तो इसलिए वो कुछ इस प्रकार की बात करने की सोच रहा था। और जो अभी इसमें रामराज हैं, जो पीड़ित हैं, उनको 6-7 लड़कियों के बाद जो है एक लड़का पैदा हुआ था अभी जनवरी में, तो उसको लगा कि अगर इनका बच्चा हम अपहरण कर लेते हैं तो उसको ले जा करके फिरौती से पैसा मांग सकेंगे, इसीलिए उसने पूरा प्लान अपने दो जो सह अभियुक्त हैं उनके साथ मिल करके बनाया। और कल बच्चे को हर तरीके से, चूंकि उस परिवार से मिला हुआ था, परिवार वाले भी उसको ट्रस्ट करते थे, तो हर तरीके से बच्चे को अपने पास रखने की कोशिश करी, और शाम को जब मौका मिला तो अपने दोनों जो सहभागी थे उनको मोटरसाइकिल के साथ उनको भगा दिया। तो जब हमें सूचना प्राप्त हुई, फौरन ही हमने टीम बना करके इसको आगे कार्रवाई करी, तो थाना पन्नूगंज की टीम की इतने अच्छे एफर्ट की वजह से रात में ही बच्चा जो चंदौली डिस्ट्रिक्ट के सैयद रजा थाने के पास में, जहाँ इनका गांव है, जहाँ पर इस अभियुक्त की ससुराल है, वहाँ से प्राप्त हो गया और अब बच्चा अपनी माता के पास में है। इतनी जल्दी इतने अच्छे तरीके से कार्रवाई करने के लिए थाना पन्नूगंज की टीम को बधाई, और उनको हम लोगों ने 10,000 रुपये इनाम भी दिए। सब बच्चा चोर गैंग कहीं से क्या सक्रियता दिख रही है? तक प्रदेश स्तर पर भी किसी इस प्रकार की कोई भी गैंग की बारे में कोई भी बात निकल के नहीं आई है, ना ही जनपद में आई है। ये पूर्णतया फिरौती को लेके ही है। ये पूर्णतया फिरौती को लेकर के था, जिसमें जैसा मैंने बताया कि अभियुक्त ने अपना स्वीकारोक्ति भी करी है, क्योंकि उसके ऊपर इतना कर्जा चढ़ा था अपनी बीवी के इलाज के कारण से, तो उसको ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, उसको लगा कि राजा राम को इतने दिन के बाद ये बच्चा प्राप्त हुआ है 6-7 लड़कियों के बाद, तो उसको लगा कि ये कुछ हो सकता है, अगर इससे फिरौती मांगेंगे तो हमें कुछ पैसा मिलेगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।